देश में लॉकडाउन की स्थिति में सफाई कर्मी और पुलिस वाले लोगों की भलाई के लिए काम पर जुटे हुए हैं। लेकिन तब क्या हो जब ये दोनों आपस में ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं? जी हाँ, ताज़ा मामला झांसी का है, जहां सफाई कर्मी और पुलिस वाले आपस में इस तरह भिड़ गए कि अस्पताल पहुंच गए। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साहब को ने फोन पर बताया कि जाओ मंडी में भीड़ बहुत लगी है, बार बार फोन आ रहा है। इस पर मैं गया तो मंडी से भीड़ हटवाई गई है, आसपास के लोगों को हटवाया गया। उनमें से कुछ अराजक तत्व थे, जो है अराजक तत्व जो है पूर्व से अपना सुनियोजित ढंग से अपना मूड बनाए होंगे। जो है इनका जो है जुआ और सट्टा और जो है शराब बेचने का कारोबार इन अराजक तत्वों का जो है चुंगी नाका में है, जिसको बंद करवा दिया गया था मेरे द्वारा। इसी चीज़ को लेकर के लोग बहाना बना करके कि जो है हमारे जो है कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया, इसी बात को लेकर के हम मेरे साथ के कर्मचारी उनके साथ जो है हम लोग निहत्थे थे, आ करके अचानक जो है मारपीट करने लगे। हम लोग पूछा कि क्या बात है, कितने हमारे साथ में दो कर्मचारी थे, एक सतीश और एक दूसरा लड़का आशू, दो थे। हाँ वहाँ पर मेरे पास तो मेरा मोबाइल ख़राब चल रहा है, तो दूसरे के मोबाइल से जो है अशोक महोदय को सूचना दी थी और उनको बताया कि उच्च अधिकारीगण को भी सूचित करें संबंध में। क्या आपका इनसे अभी दो तीन दिन पहले कोई विवाद? हमारा इनसे कोई विवाद नहीं हुआ, बस वही है कि ये लोग जो है शराब दारू बेचना चाहते हैं, इनका बिकवाना बंद करवा दिया गया है। ये समथर में कुछ पुलिसकर्मी लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे थे कि एक आम आदमी को समझते हुए, जैसा कि वहाँ बताया जा रहा है कि एक सफाई कर्मी को डंडा वंडा लग गया था, जिससे कि आपस में उनके बीच में अल्टरकेशन हुआ। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हो रही है। सीओ मॉट मौके पर है और इस वक्त शांति है और जो भी कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाए। पुलिस वाले भी कुछ जख्मी हुए? इस संबंध में अभी सीओ मॉट गए हैं मौके पर और वो देख के और सारी स्थिति पर नज़र रखें और जो भी इस संबंध में जांच के बाद तथ्य निकल के आएगा। आप बोले नहीं कोई नहीं हुआ काम, आप हमने हाथ करा साहब तो उनने हाथ में डंडा मारा सर। अच्छा, उनके साथ कौन कौन से डरे वाले? एक और था साथ में साहब। क्या नाम है? मालूम नहीं है साहब। तो आपने अपने अधिकारियों को सूचना? हम साहब नगर पालिका आए साहब, तो नगर पालिका भी आ गए मानने के लिए साहब, तो हमने अपने साथियों को बताया और अपने सीनियर को बताया जमादार को, तो साहब जब हम लोग सब इकट्ठे हो गए साहब तो फिर वो मानने के लिए आया, तो वो भागा फिर फिर आगे। झांसी से न्यूज़ के लिए वसीम राजा की रिपोर्ट।